अंतरिक्ष जगत में हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इसे पूरी तरह जानने की। लेकिन पृथ्वी के मौसम की तरह ही इनका हाल और स्थिति दोनों ही बदलती रहती है। कैप्चर की गई तस्वीरें और डाटा हमें सौरमंडल में होने वाली एक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेस से इस हफ्ते खींची गई कुछ हैरत अंगेज तस्वीरें जो आपको हैरान कर सकती है। इन तस्वीरों में यूएस कैलिफोर्निया में आग से लेकर जुपिटर पर आने वाले बड़े तूफानों को कैप्चर किया गया है। तो चलिए तस्वीरों के जरिए सोलर सिस्टम का सफर करने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता दूं जिसका नाम है रमी सर्कल। यहाँ पर आप रमी खेलकर रियल केस जीत सकते हैं। इस ऐप को खेलना और सीखना बहुत ही आसान है और जब आप इसमें रजिस्टर करते हैं तो आप 100% स्वागत बोनस भी जीत सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख ही सकते हैं। इस गेम को खेलना और जीतना कितना आसान है। इस ऐप में बेहतरीन ग्राफिक्स है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और आप नकद भी जीत सकते हैं, तो आखिर किस बात का इंतजार है। आपके ट्रांजैक्शन यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है, जो कि आपके जीते हुए रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। है ना चौंका देने वाली बात। अब तक कई लोगों ने रमी सर्कल पर असली कैश खेला और जीता है। यकीन मानो आपको भी बहुत मजा आएगा रमी खेलने और नकद जीतने में। तो आप इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो हमारा आगे बढ़ाते हैं। द पिनव्हील गैलेक्सी, अंतरिक्ष जगत में नासा के मिशन क्या कमाल दिखा रहे हैं इसके बारे में तो सभी को जानकारी है, लेकिन इस हफ्ते कमाल दिखाया है चाइना के चेंग 3 मिशन ने। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस मिशन को 2013 में चांद पर भेजा गया था और मानना पड़ेगा कि तब से लेकर आज तक ये चांद की जमीन पर बेहतर काम कर रहा है। दिसंबर में इस लैंडर को काम करते हुए 7 साल हो जाएंगे। हालांकि इस मिशन में रोवर अब काम करने में सक्षम नहीं है, लेकिन लैंडर अभी भी चालू है और इसके लूनर अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप उपकरण अब भी काम कर रहे हैं। इन्हीं उपकरणों के सहारे चेंग मिशन के लैंडर ने इस हफ्ते पिनव्हील गैलेक्सी की खूबसूरत और क्लियर तस्वीरों को साझा किया है। जरा आप भी नजर डालिए इन पर। ब्राइट बोल्डर ऑन एस्टेरॉयड, यानी शुद्र ग्रह पर चमकीले पत्थर। इस हफ्ते जापान स्पेस एजेंसी के हायबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट ने भी राइगु एस्टेरॉयड की शानदार तस्वीरों को खींचकर सबको चौंका दिया। दरअसल इस स्पेसक्राफ्ट ने राइगु की सतह को स्कैन किया जब इसे एस्टेरॉयड की सतह पर चमकते हुए ब्राइट रॉक मिले। शोधकर्ताओं को लगता है कि ये चमकीले बोल्डर तब बने होंगे जब राइगु की पेरेंट बॉडी एक सिलिकॉन रिच एस्टेरॉयड से टकराई होगी और इसी वजह से राइगु जैसे एस्टेरॉयड का फॉर्मेशन हुआ होगा। जुपिटर स्ट्रीकिंग स्टॉर्म्स, दोस्तों अंतरिक्ष जगत में हबल स्पेस टेलीस्कोप एक बड़ा नाम है जिसने खोजों की मिसाल कायम की है। इस टेलीस्कोप ने इंसानों को स्पेस के एक नए युग में प्रवेश करवाया है। यूं तो यह टेलीस्कोप हमेशा ही कुछ नया खोजता रहता है, लेकिन इस बार हबल टेलीस्कोप ने जुपिटर की कुछ नई और हैरान करने वाली तस्वीरों को साझा किया है। ये तस्वीरें 25 अगस्त को कैप्चर की गई थी। तस्वीरों में प्लैनेट के अनस्टेबल वातावरण को आसानी से देखा जा सकता है। जरा ध्यान से देखिए किस तरह जुपिटर की सतह पर बड़े तूफान बन रहे हैं। ग्रेट रेड स्पॉट के पास तो ये तूफान और भी विकराल रूप धारण करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप भी ध्यान से देखिए। ये तो रही स्पेस इमेजेज, अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। फायर इन एंड नियर द यूएस, यूएस के कैलिफोर्निया में लगी जंगल की आग किसी से छिपी नहीं है। 8 सितंबर को लगी ये आग अभी भी जारी है और 1,13,986 हेक्टेयर क्षेत्र को जलाकर ये आग राख कर चुकी है। इस आग के विकराल रूप का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नासा के सैटेलाइट ने भी इस भयानक इवेंट की तस्वीरें जारी की है। आप खुद ही देख लीजिए। इक्विटा सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में आग की उपस्थिति 100 से भी ज्यादा जगहों पर दिखाई दे रही है, जबकि 6 जगहों पर बनते हुए बड़े तूफान भी दिखाई दे रहे हैं। माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी, दोस्तों यूएस वर्ल्ड फायर से आती हुई ये दूसरी तस्वीर माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के लाइव वेबकैम से ली गई है। लंबे समय से लगी ये आग अपना विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। इस आग के चलते कई जंगल और जीव जलकर राख हो गए हैं। वहीं हजारों लोगों ने अपना घर खो दिया।
गाइडिंग लाइट। अगली तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। दरअसल ये तस्वीरें यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के यूनिट 4 टेलीस्कोप की हैं, जो आसमान में लेजर गाइड स्टार का इस्तेमाल करता है नजर आ रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि लेजर गाइड स्टार आकाश में छोटे चमकीले धब्बे होते हैं, जिन्हें ऑब्जर्वेटरी द्वारा लेजर बीकेम के इस्तेमाल से बनाया जाता है, ताकि एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन में इनका इस्तेमाल हो सके। ये तस्वीरें भी लेजर बीकेम की है, जिसे यूनिट 4 टेलीस्कोप आसमान में लेजर गाइड स्टार सिस्टम में बनने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि यूनिट 4 धरती पर मौजूद 4 सेपरेट टेलीस्कोप में से एक है, जो एक बहुत बड़े टेलीस्कोप को बनाते हैं। हमारी अगली तस्वीर शनि ग्रह के चांद इंसेलाडस की है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली इसलिए हैं क्योंकि इन्हें कसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इकट्ठा किए डाटा की मदद से बनाया गया है। इन तस्वीरों में हम इंसेलाडस चांद की सभी साइड को देख पा रहे हैं। इंसेलाडस की फ्रंट साइड तो बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन बैक साइड काफी डरावनी है। इसकी सतह पर बने ये रेड डार्क स्पॉट किसी आग से कम नहीं लगते हैं। फ्लावरिंग स्टेलर विंड। स्टेलर विंड किसी चमकते हुए तारे की सतह से निकलने वाली गैस को कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमारे सूरज से निकलने वाली सोलर विंड भी एक तरह की स्टेलर विंड है, जो सूरज की सतह से निकल रही है। सूरज की तरह ही अंतरिक्ष में बाकी तारे भी मौजूद है, जिनकी सतह से इस तरह की गैसेज निकलती है। इस बार मिली तस्वीरें स्टार आर इक्वेल से निकलने वाली गैसेज की है, जो फोटो में फूल की पंखुड़ियों की जैसे नजर आ रही है। बता दें कि स्टेलर विंड की इस तरह की तस्वीरों को चिले के एटोमियम प्रोजेक्ट के तहत खींचा गया था। टारावा एटॉल फॉर्म स्पेस। इस हफ्ते कॉपरनिकस सेंटिनल 2 मिशन ने एक शानदार तस्वीर कैप्चर की। ये तस्वीर किरीबाटी रिपब्लिक के एक दूर स्थित पैसिफिक नेशन की है। इस नेशन का नाम है टारावा एटॉल, जिसे स्पेस में भी देखा जा सकता है। ये तस्वीरें चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि पहली बार इस आइलैंड को स्पेस से देखा गया है और ये पूरी तरह पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसके डूबने की आशंका बनी हुई है। खैर, चारों ओर समुद्र से घिरे राज्य का यह हाल होना आम बात है। तो ये थी कुछ रोचक इमेजेस जिसे इस हफ्ते स्पेस से कैप्चर किया गया था। इन इमेजेस से पता चलता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में केवल नासा ही नहीं बल्कि बाकी स्पेस एजेंसी भी बेहतर कार्य कर रही है और दिन ब दिन नए खुलासे करती जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।